हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने FFS मशीन की वायरिंग के बारे में समझा था, अब आगे ये देख लीजिए कि इस पैनल की जो सेंसर होता है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, किस तरीके से ऑपरेट ना करने पर क्या दिक्कत आती है। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि ये जो हमारे दो सेंसर हैं, ठीक है, ये सेंसर हो गया, रिवर्स फॉरवर्ड मोटर हो गया, ये किस तरीके से पैनल में इसका क्या होता है, क्या कनेक्शन रहता है, वो कनेक्शन हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से ऑपरेट करेगा। अब हम मशीन चला के आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेट करेगा। अब यहाँ देखिए, ये जो हमारा सेंसर है, अगर ये यहाँ पर सेंस नहीं करेगा, ये लाइट नहीं जलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा काम नहीं कर रहा है। जब ये सेंस करेगा उस टाइम ये देखो हमारा ये गरारी घूम रही है, ये काम करती है, ठीक है। ये तो ये हो गया, बाकी पैनल में कैसे समझोगे कि आप हमारा कर रहा है। ये देखिए हमारी ये मेन जो ग्रीन लाइट है, ये ग्रीन लाइट जो है हमारी सेंसर की है। इस पर S लिख रहा है, इस पर भी S लिख रहा है, LS, ये सेंसर है अपना, ये मेन है अपना, ठीक है। ये पावर वाला दिखाई दे रहा है, बाकी ये हमारा टाइमर होता है, इसको हम अपने स्पीड के हिसाब से कि कितना हमें रिवर्स फॉरवर्ड कराना है उस हिसाब से इसको सेट करके रखना है। इस वीडियो में बाकी रिवर्स फॉरवर्ड मोटर तो देख ली आपने, उसकी वायरिंग देख ली, और आगे भी इस तरीके के वीडियो लाते रहेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, RS मशीनरीज, और वीडियो देखते रहिए मशीन के बारे में जानकारी लेने के लिए।